नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई इंडिया के लोग जो दुबई आना चाह रहे हैं उसके बारे में। इम्पोर्टेंट नोटिस है, हालांकि न्यूज़ दो दिन हो चुके आ चुकी हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर देता हूं कि बहुत सारी जनता दुबई से और बहुत सारी क्या मेरे हिसाब से लगभग 80% यूरोपीय कंट्री को छोड़ के बाकी तो सब दुबई आ रहे हैं। दुबई से ही आप कुवैत जाने की सोच रहे हैं, दुबई से आप सऊदी जाने की सोच रहे हैं, दुबई से आप उस कंट्री जाने की सोच रहे हैं जो इंडिया से डायरेक्ट बैन है। जी हाँ, लेकिन मैं बता दूं, यूएई सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तीन और लेबों को बैन कर दिया है। लेब कौन सी? जहाँ से आप कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके दुबई आने की सोच रहे हैं। जी हाँ साथियों, चार रिपोर्ट पहले भी बैन की थी, एक महीने पहले मैंने वीडियो बना के डाला था। अभी आज की लेटेस्ट न्यूज़ में बता दूँ, तीन और जी हां साथियों लेबों को यूएई सरकार ने बैन कर दिया है। और उनका नुकसान किनको हुआ, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड आपको सही इंक्वायरी रोज मिलती रहे। जी हां साथियों, यूएई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तीन लेबों को और बैन कर दिया। अब उनका नुकसान किनको हुआ, जिन तीन लेबों से हजारों लोगों ने जैसे कोचिकोड़े, केरला, दिल्ली, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने उन लेबों से कोरोना के टेस्ट रिपोर्ट लेके एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, जिनका वीज़ा था, टिकट थी, कोरोना रिपोर्ट थी, सब डॉक्यूमेंट ओके थे, लेकिन वे सरकार ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो उन हज़ारों लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा आप सोच सकते हैं। एयरपोर्ट पर गए, कोविड टेस्ट उनका ख़राब हो गया, वहाँ पर उनको ये बोल के रोक दिया गया कि आपका ये कोविड टेस्ट जिस लेब का है उसको वे सरकार ने बैन कर दिया, इसलिए ये नहीं चलेगा, आप दोबारा से आप अपने घर जाओ, वहाँ से दोबारा वे रजिस्टर्ड जो ICMR लैब हैं उनसे आप दोबारा से मेडिकल करवा के आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके आनी होगी। जी हाँ, तो डिटेल से बता दूं मैं मैटर क्या हुआ। अगर देखा जाए तो टोटल 7 PCR कोरोना टेस्ट लैब हैं, उनको अभी वे सरकार बैन कर चुकी है। उनका कहना यह है, मैं बता दूं कि उनका यह कहना है कि ये फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, फर्जी, क्योंकि अब होता क्या यार, सीधी सी भाषा है, मतलब 96 आवर्स का है, साढ़े चार दिन का आपको टाइम मिलता है, आपने कोरोना रिपोर्ट बनवा ली, नेगेटिव है, आप खुश हैं, उसके बाद आप मान ली दो दिन आपने मार्केटिंग में घूमे या अपने परिवार में घूमे या बाहर कहीं पर भी गए, फिर आप प्लेन पकड़ के दुबई पहुंच गए, दुबई में आते ही आपका कोरोना टेस्ट होगा, आपको सबको पता है, और वो आपके 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें वो लोग आ जाते हैं पॉजिटिव, मैं बता दूं, और वो उनके आधार पे फिर वो देखते हैं कि भाई कौन सी लैब में टेस्ट करवाया था उनके बंदे ज़्यादा पॉजिटिव आए। एग्जाम्पल के तौर पर 1000 लोगों में से मान लीजिए 50-60 लोग उन लैबों के यहाँ दुबई में पहुँचने के बाद पॉजिटिव आ गए, तो उनके माइंड में यही सरकार अथॉरिटी के माइंड में घुस गई कि ये लोग नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, जबकि मेरी जो सोच है वो मैं बता दूं, होता क्या है, मैंने बता दिया कि बस मान लीजिए 96 घंटे पहले की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, पहले लोग क्या करते हैं 96 घंटे शुरू से मेडिकल करवा लेते हैं, तो उनके पास एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, क्योंकि 4.5 दिन का टाइम होता है ना रिपोर्ट आने के बाद, आप 4.5 दिन तक दुबई पहुँच सकते हैं 96 आवर्स में, ठीक है। तो रिपोर्ट आने के बाद आप जैसे 2-3 दिन अपने रिश्तेदारी में गए, अपने दोस्तों में गए, सिटी में गए, बाहर गए, किधर भी गए, या प्लेन में वगैरह वगैरह, तो वो फिर मान लीजिए कहीं ना कहीं आप किसी के टच में आ गए, आप में कोरोना के लक्षण आ गए, दो दिन के अंदर फिर आप दुबई आए, दुबई में आपका फिर कोरोना टेस्ट होगा, फिर आपको 24 घंटे में आपकी जो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आ जाती है कोरोना की, तो फिर वो रिपोर्ट के आधार पे वो देखते हैं भाई कौन सी लेब के बंदों की ज़्यादा रिपोर्ट आई, तो ये जो लेब हैं इनके बंदों की रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, तो इनको ये लगता है कि ये रिपोर्ट फर्जी हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी यार रिपोर्ट फर्जी तो क्यों बना के देंगे, मुझे ये समझ में नहीं आया, जब आपका जाँच कर ली, आपका पूरा सिस्टम कर दिया, तो फिर उनको जाँच करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन भाई वे सरकार है, उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कर दिया। अब आपको ध्यान रखने की बात है कि कौन सी 7 वो लेब हैं, वहाँ से आपको मेडिकल नहीं करवाना है, अगर करवा के आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आपको वापस घर जाना पड़ सकता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 सितंबर को यानी पिछले महीने में जो बैन हुई थी, जयपुर का सूर्यम लैब मैंने वीडियो डाला था, केरला के शहर में माइक्रो हेल्थ लेबोरेटरी, दिल्ली में डिप्पी डॉक्टर भी बसीन पैथलेफ, दिल्ली में नोबेल डायग्नोसिस्ट सेंटर, ये 4 जो हैं वो पहले बैन हो चुकी थी। अभी की अगर बात करें बैन हुई है वो बता दूं मैं, अभी की लेटेस्ट जो न्यूज़ है बता दूं मैं क्रम से, एक तो केरला के कोचिकोड़े में, दिल्ली में नोएडा में, तमिलनाडु में चेन्नई में 3 हैं उनको बैन कर दिया गया है। बता दूं एजा डायग्नोस्टिक सेंटर, 360 डायग्नोस्टिक सेंटर डायग्नोस्टिक और हेल्थ सर्विसेज और आरा क्लिनिक लेबोरेटरीज को सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ,
अब ये मैंने आपको बताया कि ये जो तीन लेब हो रहे हैं, चार पहले थी, ये सातों लेब बैन हो चुकी हैं भाई। यहाँ से मेडिकल ना करवाएं, करवाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि जिनको रिटर्न किया गया उनको भी सर शायद स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बोला है कि आपको दोबारा टिकट देंगे, आप नहीं देंगे वो टिकट का पैसा उनका लगेगा। उनका कोई सार्वजनिक अभी घोषणा हुई नहीं है। बाकी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनसे मेडिकल ना करवा के दूसरी ऑनलाइन जो पैथ है उनसे करवाएं, और जो रिपोर्ट लेके आते हैं भाई उनके ऊपर डॉक्टर की मोहर होनी चाहिए। अगर मोहर नहीं होगी तो भी रिटर्न हो सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।